हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। रोज़ का यही मसला, क्या पकाएं क्या ना पकाएं, और गोश्त चिकन से भी बोर हो गए थे तो बिल्कुल आज सोचा सिंपल सादा खाना, जैसे हमारे गांव में बनते हैं सिंपल सादा खाने जो होते हैं, बस आज वो बनाया। तो सबसे पहले दोपहर में आलू मटर का सालन चढ़ा दिया था शोरबे वाला। अच्छा जी, जब तक हमारा ये आलू मटर का सालन रेडी हुआ, इतने में हमने छोटी छोटी सी चपातियाँ बना ली दोपहर के खाने के लिए। अच्छा, ये खाने वैसे बच्चों को नहीं पसंद होते ज़्यादातर, मोस्टली उन्हें पिज़्ज़ा, बर्गर, चिकन, ब्रोस, ये सब चीज़ें चाहिए होती है। लेकिन ये हमारे रिवायती खाने हैं, ये भी बच्चों को खिलाना चाहिए ताकि बच्चों को हर चीज़ की, हर उस खाने की आदत रहे। तो मैंने ज़बरदस्ती बच्चों को यही खाना खिलाया और मैं खिलाती हूँ। अब आई रात की बारी। रात में भी मैंने बिल्कुल सिंपल सादी सी खिचड़ी बनाई मूंग मसूर की दाल की, ठीक है, बस सिंपल सी बनाई है, कोई इसमें कुछ भी नहीं, सब चीज़ें डाल के चढ़ा दी। अब यहाँ मैंने आलू के कबाब बनाए, वो भी सिंपल से, नमक, कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा, हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर डाल के। लेकिन मैंने इसकी कोटिंग ना अंडे में नहीं की, इसको मैंने बेसन में ना नमक और ज़ीरा डाल के अच्छी तरीके से उसको बीट किया और उसको बेसन में मैंने ना डिप करके फ्राई किया। इससे तो ये भी होता है कि क्रिस्पी भी रहते हैं, अंडे में आप करते हो तो सॉफ्ट हो जाते हैं और क्रिस्पी रहते हैं, नया टेस्ट होता है। अब चूँकि खिचड़ी थी हमारे साथ तो हमने हरी मिर्चें भी तल ली, अचार चटनी भी हो गई। रिवायती खाना तो था, उसके साथ लवाजमात इतने ज़्यादा हो गए, लेकिन ये कि हमने इंजॉय करके पेट भर के मज़े से खाया और अच्छा लगा। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।